मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दंडाधिकारी कटनी, सभी जिलेवासियों, शहरवासियों के नाम संदेश देना चाहता हूँ। विगत कुछ दिनों से कटनी जिले में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर के हम सजग हैं और प्रतिदिन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है उसमें इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस पर विचार विमर्श करते रहते हैं और आवश्यक निर्देश, प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी करते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए, पिछले कुछ दिनों में चल रही है, हमने कुछ निर्णय लिए हैं जिससे मैं जिलेवासियों को अवगत कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम, कटनी शहर की सीमा में रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे केमिस्ट, राशन और खान पान की जो दुकानें हैं उनमें उनके प्रतिबंध उनके लिए प्रबंधन किए जाएंगे, किंतु 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी प्रकार से अति आवश्यक सेवा को छोड़कर के मूवमेंट नहीं होगा सड़कों पर। यह निर्णय लेना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि बाजार में जो संख्या आ रही है वहाँ से संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज होते हुए दिख रही है। दूसरा निर्णय हमने ये लिया है कि कुछ ऐसे बाजार जो हैं जहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बताने पर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसमें हमारे SDM और इंसिडेंट कमांडर्स को अधिकृत कर दिया गया है कि वे लोग ऐसे मार्केट्स को शिफ्ट कराएंगे, विस्थापित कराएंगे खुले जगहों पे जहां गोला लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके दुकानें विस्थापित की जाएंगी, और अगर उसके बाद भी या ऐसी ज़रूरतें महसूस की जाएंगी तो ऐसे मार्केट्स को बंद भी किया जाएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के संक्रमण की गति को कंट्रोल करना। तीसरा निर्णय लिया गया है खुली जेल का। खुली जेल की भी स्थापना आने वाले दिनों में कर दी जाएगी और ऐसे लोग जो सड़कों पर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए अपना परिवहन करते पाए जाएंगे या ऐसे क्षेत्रों में जहां उनको आसपास भीड़ के होने के बावजूद भी वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे होंगे, उनको खुली जेल में प्रतीकात्मक रूप में रखा जाएगा ताकि समाज में और आसपास में ये संदेश दिया जा सके कि स्थिति गंभीर है। चौथी बात जो है वो है कि मैं सभी शहरवासियों से और जिलेवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, हम बाहर निकलने से बचें। लॉकडाउन नहीं है, आने वाले समय में लॉकडाउन तभी लग सकता है जब शासन के निर्देश हों, सरकार तय करे, हम अभी कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता स्वयं करनी पड़ेगी और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें। जो किराने का सामान है, सेवाएं हैं, उसमें प्रयास ये करें कि होम डिलीवरी का उपयोग करें। पिछली बार भी जब कोरोना था, लॉकडाउन लगा था, तो होम डिलीवरी का उपयोग बहुत से लोगों ने किया था। हम अपना बचाव स्वयं ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेकर के कर सकते हैं। आप जब घर से बाहर निकलने की कोई बात आए तो सोचें कि क्या ये अति आवश्यक है, और यदि आपके मन से आवाज़ आए कि नहीं अति आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अपने व्यापार के लिए अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, इस बात का ध्यान रखें कि घर से बाहर निकलने में आप सुरक्षित रहें, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो बट आपके घर वालों के अंदर ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं पुनः सभी शहरवासियों को, जिलेवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोरोना की रोकथाम हमारा प्रथम कर्तव्य है और प्रशासन के मुखिया के रूप में हम वो सभी निर्णय लेंगे जिससे हम इस रोकथाम में व्यापक प्रचार प्रसार भी कर सकें और इसका असर भी दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।